Xiaomi, पता नहीं कितने सारे फोन आने वाले हैं Xiaomi की तरफ से आपको एक और नया फोन देखने को मिलने वाला है जिसका नाम है Mi 9। मैं आपको बता दूं कि ये Mi 8 का सक्सेसर बनकर के आ रहा है। Mi 8 जो है वो पिछले साल 2018 में मई के महीने में लॉन्च किया गया था, लेकिन इस बार आपको ये 25 को देखने को मिलने वाला है। इसके पीछे रीजन क्या है मैं आपको ये बता दूं कि हो सकता है सैमसंग का MWC जो होने वाला है 25 को होने वाला है, जिसमें सैमसंग अपने S10 सीरीज को लॉन्च करने वाला है, जिसकी वीडियो मैंने पहले बना दी है S10 और S10 प्लस के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में उसका लिंक है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दिया है, जहां पे मैंने आपको सैमसंग के S10 और S10 प्लस के बारे में बताया है। तो इसके पीछे हो सकता है यही रीजन है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं Xiaomi का ये Mi 9 वाला फोन जल्दी लॉन्च किया जाना है। क्या है इस फोन में, क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ, तो शुरू से लेकर के लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे वास्तविक टेक चैनल पे। जी हाँ फ्रेंड्स, Xiaomi के Mi 9 की अगर हम सबसे पहले डिस्प्ले की बात करें इसमें, तो आपको 6.4 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी जो कि वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ आएगा। साथ ही साथ में आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि Xiaomi का ये कहना है कि अब तक का सबसे खूबसूरत फोन होने वाला है ये, क्योंकि इसमें आपको बैक में कई सारे कलर देखने को मिलने वाले हैं। और बिल्ड क्वालिटी की बात करें इसमें तो आप 2.5 का कर्व ग्लास मिलने वाला है जो फोन को काफी अच्छा प्रोटेक्शन देता है। साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं इसकी रैम के बारे में, तो इसमें आपको 3 वेरियंट देखने को मिलने वाले है। पहला जो आपका आएगा 6GB जो आएगा 128GB स्टोरेज के साथ, दूसरा आपका आएगा 8GB जो आएगा 128GB स्टोरेज के साथ, तीसरा जो आपको देखने को मिलेगा वो 8GB 256GB स्टोरेज के साथ मिलेगा। तो मतलब रैम अच्छी दी गई है और रोम भी अच्छी दी गई है। बात करते हैं हम लोग इसकी बैटरी के बारे में, तो इसमें आपको डिस्प्ले बड़ी दी गई है जिसकी वजह से इसकी बैटरी भी कहीं ना कहीं ठीक ठाक दी गई है। इसमें आपको 3500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, 3500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, 27W का चार्ज आपको देखने को मिलेगा जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा, प्लस इसमें आपको टाइप सी पोर्ट भी देखने को मिल जाता है। बात करते हैं हम लोग इसके प्रोसेसर के बारे में, तो इसमें आपको क्वालकम का स्नैपड्रैगन का 855 वाला ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा जो कि क्वालकम की तरफ से लेटेस्ट प्रोसेसर है। वैसे आप इस चैनल पे पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी को भी बजा डालो। दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग इसमें कैमरे के बारे में, तो इसमें आपको 4 कैमरे देखने को मिलने वाले हैं, 3 बैक में कैमरे देखने को मिलेंगे और 1 कैमरा आपको फ्रंट में देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे इसके रियर कैमरे के बारे में, तो इसमें रियर कैमरा जो पहला दिया गया 48 MP का आपको इसमें दिया गया है, दूसरा 12 MP का दिया गया और ये तीसरा आपको 3D कैमरा दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये 4K वीडियो सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन कैमरे काफी अच्छे हैं इसमें। साथ ही साथ बात कर लेते हैं हम लोग इसके फ्रंट कैमरे की, तो इसमें आपको 24 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, 24 MP का, और वो भी Xiaomi का कैमरा बहुत ही अच्छा होता है, आपको ये वाली बात आई थिंक पता होगी। ये फोन आपको 4 कलर में देखने को मिलने वाला है, ब्लैक, ब्लू, व्हाइट और गोल्ड के साथ आएगा। अब कर लेते हैं हम लोग इसकी प्राइस के बारे में, तो Xiaomi के Mi 9 के प्राइस के बारे में कोई भी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन हम अगर एक्सेप्ट करें तो इसकी प्राइस कम से कम ₹30,000 होने वाली है। ₹30,000 तक होगा तो ये फोन मार्केट में अच्छा चलने वाला, अगर इसके ऊपर जाता है तो मार्केट में काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। आपको क्या लगता है इस फोन के बारे में मुझे जरूर बताइएगा। ये लॉन्च मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 25 को ये लॉन्च होने वाला है बहुत ही जल्दी, तो पता चल जाएगा इसकी प्राइस क्या होने वाली है। वैसे आपको इस फोन की सबसे अच्छी चीज क्या लगी है, सबसे अच्छा फीचर कौन सा लगा है, प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बस यार आज की वीडियो के इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में घंटी को दबा देना। मैं मिलता हूं आपको एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।